वेलकम गाइस, ITL पर वीडियो में Realme का U1 RMX 1831 मॉडल। अगर इसमें अगर आपको हैंग टच की प्रॉब्लम आ रही है, देखें जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है, अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है ये फ़ोन देख ले, सेम फ़ोन होगा आपका भी या इसका Realme का कोई सा भी दूसरा भी फ़ोन है तो आप सेम तरीके से कर सकते हैं। वैसे Realme का ये U1 मॉडल है तो इसको आप इजीली जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है इसके फ़ोन को सिलेक्ट करना और टच को ठीक करना। ये देखा अभी मैं मूवमेंट करता हूँ तो ये प्रॉपर हो नहीं रहा, ठीक है, हैंग हो रहा है। ये देखे ये सिलेक्ट हो रहा बॉक्स का, अभी कुछ भी कर रहा हूँ मैं नहीं हो रहा, ये प्रॉपर हैंग हो रहा, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए आपको यहाँ पर टू फिंगर का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखें मैं टू फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, सेटिंग में आने के बाद ये आपको इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ये आपको ऑन कर देंगे। और लॉक खोलने के लिए अगर लॉक लगा हुआ है, पैटर्न लगा हुआ है, तो आपको पिन को सेलेक्ट करके फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, पांचवे पे, जैसे आपको स्लो मोशन में स्पीड में लॉक ना खोले, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको हो जाएगा। तो और सेटिंग खुल गई आपकी, तो यहाँ पे हम डाउन टू फिंगर से नीचे जाएंगे, यहाँ पे हमें जाना है एडिशनल सेटिंग में, ठीक है। एडिशनल सेटिंग को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर इस पर हम डबल टैप करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है एक्सेसिबिलिटी, ये रहा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी को। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर इस पर हम डबल टैप करेंगे, ठीक है, ये ऑन हो गया। अब हम देखेंगे एक्सेसिबिलिटी शॉर्ट जो है हमारा ऑफ है, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू भी ऑफ है, सिलेक्ट टू स्पीक ये भी ऑफ है, टॉल बैक ऑन है हमारा, ये टॉल बैक ऑन है, इसकी वजह से जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसको डबल टैप करके सेलेक्ट कर लेंगे पहले, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे डबल टैप, नीचे ऑफ का ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डबल टैप, और ये जो है हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। ये देखें अब हमारी टच नॉर्मली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली चल रही है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ITL पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।